स्वागत है आपका आज श्री गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में। आज हम पंजाब में सरहंद में स्थित फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा आए हुए हैं और आज हम जानेंगे इस गुरुद्वारे का पूरी हिस्ट्री और इसका इतिहास। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, साल में हर किसी को एक बार इस गुरुद्वारे को जरूर विजिट करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। तो चलिए, फतेहगढ़ साहिब सिखों की श्रद्धा एवं विश्वास का एक प्रतीक है। पटियाला में उत्तर में स्थित यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिखों के लिए इसका महत्व इस लिहाज से भी ज़्यादा कि यह पर गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटों को सरहिंद के तत्कालीन फौजकार वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। उनके शहीदी दिवस आज भी यहाँ लोग पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। फतेहगढ़ साहिब जिला को यदि गुरुद्वारा का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर अनेक गुरुद्वारे हैं जिनमें से गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब का विशेष स्थान है। इसके अलावा भी इस जिले में घूमने लायक अनेक जगह हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर, यहाँ से देख सकते हैं इस गुरुद्वारे की खूबसूरती। ये देखिए, ये खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है। यहीं से अपने गुरुद्वारे में एंटर किया। यह गुरुद्वारा अपने आप में एक इतिहास है, यहां से देख सकते हैं। ये सामने ही ये है पूरा एक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और ये है यहाँ पे, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन में लग के जब आप एंटर करेंगे तो सामने ही आपको ये लाइन दिखेगी। और सैटरडे का दिन था, उस दिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे। यहाँ से देख ही सकते हैं आप क्राउड और यहाँ भीड़ कितनी हो रखी है। यह है गुरुद्वारे का एंट्रेंस और गुरुद्वारे के अंदर एंटर करने के लिए हमने करीब 1.5 घंटा लग गया था क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ से देख ही सकते हैं आप, यहीं से अभी हम गुरुद्वारे के अंदर एंटर करेंगे। ये देखिए, इतनी अच्छी खासी भीड़ थी, यहाँ से हमें एंटर करने में कोई 1.5 घंटा लगा। यहीं से हम गुरुद्वारे के अंदर एंटर करेंगे, यहीं से आप देख पाएंगे अंदर का। ये देखिए, Take me, Shiva, but I'm holding on.
और यहाँ से अभी हम गुरुद्वारे के बाहर आ गए, यहाँ पे आप देख पाएंगे, और यहीं से अभी हम एंटर करेंगे जहाँ पे साहिब जादव को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। यहीं से अभी हम एंटर करेंगे, यहाँ से मैंने पूरी कोशिश करी है उसका एक छोटा सा क्लिप लेने की। ये है वो जगह, ये देख सकते हैं। अंदर से तो फोटो अलाउ नहीं है लेना, मैंने दूर से ही फोटो ले पाया, काफ़ी अच्छे खासी भीड़ थी तो फोटो लेने के लिए मना कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा अंदर तक क्लिप ले नहीं पाया। लेकिन आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यही एक वो प्लेस जहाँ पे पूरा एक नीचे बनाया गया है, जहाँ पे जिंदा दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था, यहाँ से देख सकते हैं। यहीं से चलेंगे आप गुरुद्वारे के हम बाहर, और यहाँ अब आ गए हम गुरुद्वारा राज श्री फतेहगढ़ साहिब पर बना ठंडा बुर्ज, जहाँ सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए गुरु साहिब के दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी को कैद कर लिया था। मुगलों ने वो महीने में सर्द रातों में प्रताड़ित किया, और चारों ओर से खुले और ऊंचाई वाले इस ठंडे बुर्ज से ही माता गुजरी ने छोटे साहिबजादों को लगातार तीन धर्म ना बदलने की शिक्षा दी थी। केवल 9 और 7 साल से भी कम उम्र के इन महान सपूतों ने तो अपना शीश नहीं झुकाया और ना ही धर्म बदला। छोटे साहिबजादे के ना झुकने से गुस्साए वजीर खान ने दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, और इसके विरोध नवाब शेर खान ने भी किया था। इतिहासकारों ने अनुसार जब छोटे साहिबजादों द्वारा धर्म और कौम की रक्षा के लिए दी कुर्बानी की सूचना माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में मिली, तो माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में अपना शरीर त्याग दिया था। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में बने इस ठंडे बुर्ज में वो की सर्द रातों में बाबा मोतीराम मीणा ने अपनी जान पर परवाह किए बिना साहिबजादों और माता गुजरी जी के लिए गर्म दूध की सेवा की थी, जिन्हें बाद में मुगलों ने शहीद कर दिया था। ठंडे बुर्ज सिख इतिहास का वह सुनहरी पन्ना है जिसमें छोटे साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहीदी का पाठ पढ़ा। छोटे साहिबजादों की शहीदी आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। शहीदों की कुर्बानी का बदला बाबा बद्दा सिंह बहादुर ने लिया था। हर साल ठंडे बुर्ज में संगत श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचती है, यहाँ से देख सकते हैं। ये अभी पूरा एक दोबारा से इस दीवारों को बनाया गया, पूरा मॉडिफाई किया गया है। कहते हैं कि इसके पास से एक नदी भी बहा करती थी जो कि अभी सूख गई है। ये देखिए यहाँ से, ये बाहर का व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ से किस तरह से कितनी ऊंचाई के ऊपर इसको बना हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा ये मॉडिफाई किया गया है, दोबारा से इसकी दीवारें वगैरह बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ से, और इसी के साथ ही अभी आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि पीछे एक बहुत बड़ा एक पार्क बना हुआ है, जहाँ पे अगर आप आते हैं तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और यहीं से आप चलेंगे, ये है सरोवर, बड़ा ही खूबसूरत सरोवर बनाया गया है। यहीं से मैंने सरोवर को विजिट किया, ये देखिए। बहुत अच्छा लग रहा था, शब्द बज रहा था पूरा दिन। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिशिस को कैप्चर करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको छोटा सा एक क्लिप ले लिया यहाँ से। ये देखिए यहाँ से कितनी सारी मछलियाँ और कितना क्लीन पानी है, तो इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक क्लिप ले लूँ। ये है एक पूरा एक सरोवर, अगर आप जाते हैं तो इसकी पूरी परिक्रमा करना ना भूलें। यहीं से मैंने नीचे उतर के सामने अरदास की, और यहीं से
अभी हम चलेंगे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, जो कि बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है हमारा गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, यहाँ से देख सकते हैं। ये है गुरुद्वारे के सामने बना एक फुवारा, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। देखिए सरहंद चंडीगढ़ रोड पर स्थित फतेहगढ़ साहिब का गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप महान शहादत गाथा बयां करता है। यहाँ पर छोटे साहिबजादों पर माता गुजरी का अंतिम संस्कार किया गया था। वर्ष 1704 में साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर शाह को सरहिंद के फौजदार वजीर खान के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया, शहीद कर दिया गया था। यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम गुरुद्वारे के अंदर हैं। वजीर खान ने छोटे साहिबजादों तथा माता गुजरी जी के अंतिम संस्कार के लिए जमीन देने के बदले शर्त रखी थी कि संस्कार के लिए जितनी जमीन चाहिए उस पर सोने की खड़ी मोहरें बिछा दी जाए, जिस पर गुरु गोविंद सिंह के श्रद्धालु दीवान टोडरमल ने सोने की खड़ी मोहर बिछा कर शहीदों के संस्कार के लिए जमीन उक्त जमीन ली थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे, सही यहाँ पे बाहर, अभी रात में हमने इसको शूट किया था। और अब यहीं से अब हम गुरुद्वारा श्री बाबा मोती राम मेहरा जी के गुरुद्वारा चलेंगे। यहीं से देख सकते हैं आप, ये है गुरुद्वारा श्री बाबा मोती राम मेहरा जी का, जहाँ पे कहते हैं आज भी वो गिलास रखे गए हैं जिस गिलास के द्वारा दोनों साहिबजादा को और माता गुजरी जी को दूध पिलाया गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा क्लिप मैंने वहाँ का देने की कोशिश करी है। यहीं से अभी हम गुरुद्वारे को एंटर करेंगे। ये देखिए, ये है मोतीराम जी की याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया है, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। ये देखिए, यहीं से शब्द चल रहा था। बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से इस गुरुद्वारे को डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। यहीं से अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पे वो दोनों गिलास रखे गए हैं। ये देखिए, यहाँ से ये बेसमेंट में जाके ये जगह नीचे बनाई गई है जहाँ पे दोनों गिलास रखे गए हैं। ये देखिए, ये है वो फोटो, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है वो दोनों गिलास जिसके द्वारा दोनों साहिबजादे जी को दूध पिलाया गया था। ये देखिए कितनी हिफाजत के साथ इस दोनों ही गिलासों को रखा गया है। तो ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप एंड गुरुद्वारा बाबा मोती राम मेहरा जी का दिखाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, के जरूर बताइएगा क्या कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, गुड बाय।